गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th चैप्टर है। चैप्टर नेम्स सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। दिस इज सेकंड पार्ट, सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से सुरक्षा। डोमेस्टिक फायर्स एंड किचन इंजरीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू केयरलेसनेस। घरेलू आग और किचन से होने वाली इंजरीज यानी चोटें, घाव, लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा लापरवाही से होने वाली घटनाएं या तो घरेलू आग से आग होती है या फिर किचन में लगने वाली चोटें होती हैं। मोस्ट फायर ऑकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अधिकतर आग किचन में काम करते समय या किसी इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल करते समय होती हैं। टू प्रवेंट दिस, इसे रोकने के लिए फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलो, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यूज प्रॉपर क्लॉथ्स डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पैंस स्टीर ऑफ योर ओन क्लॉथ्स। कभी भी किसी गर्म बर्तन, कढ़ाई, किसी भी को पकड़ने के लिए एक उचित कपड़े का, मोस्टली कॉटन होना चाहिए, या डस्टर का यूज़ करना चाहिए, ना कि इसे अपने कपड़ों से पकड़े। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि औरतें साड़ी के पल्लू से या फिर बहुत सारे लोग अपने कपड़े के किसी कोने से गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। If a crack is seen in the plastic covering of any wire, get it replaced. अगर कोई भी जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसकी कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, और अगर उसकी कवरिंग में कहीं से भी क्रैक है, कहीं से छेद है या कहीं से फटा हुआ है, तो तुरंत इसे बदल देना चाहिए। Never keep a kerosene stove on the floor. कभी भी एक केरोसिन स्टोव को फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इफ इट गेट नॉक्ड ओवर, द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड रिजल्टिंग इन अ फायर। अगर कहीं गलती से भी ये नीचे रख दिए और ये हिल गया या गिर गया, तो जो ऑयल ऑयल होता है इसका, वो फैल जाता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आग लग जाती है। इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, अगर पैन में रखे ऑयल में आग लग जाती है, जैसे कि होता है देसी घी, ये बहुत जल्दी फायर कैच करता है। अगर हम इसे कोई तड़का लगा रहे हो या फिर पैन में रखे हो, अगर ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो तुरंत ये क्या करता है, फायर कैच करता है। और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्मूदर एंड फायर बाई कवरिंग द पैन। तुरंत इसे क्या करना चाहिए, इस पैन को बंद कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल, और जलते हुए तेल के ऊपर बेकिंग सोडा फेंकना चाहिए। नेवर थ्रो वाटर, पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए। इट विल बी स्प्लिटर द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर, इससे क्या होता है, पानी के साथ साथ वो आग भी फैल जाती है। नेवर वेयर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। कभी भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी घर किचन में खाना बनाते समय या पटाखे छोड़ते समय नायलॉन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या कोई सिंथेटिक जैसे जॉर्जेट होता है ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनमें जो होता है आग आसानी से पकड़ता है और बहुत तेज पकड़ता है। बिकॉज दे कैच फायर वेरी इजीली, कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वेयर। कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं ये कुछ हद तक सेफ होते हैं, आग तो सब में पकड़ती है लेकिन ये कुछ हद तक सेफ होते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, आग से बचाव, आग को दूर करना। टू कीप बर्निंग, फायर नीड्स एयर, आग जलने के लिए
हवा की आवश्यकता होती है। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। आग को बंद करने का, आग को बुझाने का पहला तरीका होता है एयर सप्लाई को बंद कर देना। थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट्स ऑफ एयर सप्लाई बाई कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर। जलते हुए आग के ऊपर कीचड़ या बालू या कोई ऐसी चीज़ फेंकने से जो एयर सप्लाई होती है वो कट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। पॉरिंग वाटर ओवर द फायर कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई। जलती हुई आग के ऊपर पानी के बौछार करने से इसका एयर सप्लाई जो होता है वो बंद हो जाता है और जो जलने वाला सामान होता है वो ठंडा हो जाता है, जिससे कि आग बंद हो जाती है। फायर कस्ट बाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट आउट बाई थ्रोइंग सैंड ओवर इट। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से लगी हुई आग को बालू फेंक कर बुझाया जा सकता है। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट ऑफ सच फायर। ऐसे आगों को बुझाने के लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशमन यंत्र होते हैं। ए फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर एक सिंपल डिवाइस है जिसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द फायर और यह आग में एयर सप्लाई को बंद कर देता है इसको स्प्रे करने पे। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर अ फायर कट बाय इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी बिजली से लगी आग के ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बिजली जो होती है वो पानी में पास करती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टच। मैंने बताया कि ये बिजली जो होती है वो पानी में फ्लो करती है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर कोई इंसान इसे छूता है तो। Never throw water over burning kerosene or petrol. पेट्रोल या केरोसिन से लगी हुई आग के ऊपर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। These are lighter than water and float over water and will continue burning. ये पानी से हल्के होते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और आग को और बढ़ा देते हैं, यानी कि जले रखते हैं, क्योंकि पानी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पेट्रोल या कैरोसिन भी जाएगा और आग जलती रहेगी। इन केस द फायर इज सीवर, अगर आग गंभीर हो, कॉल फॉर हेल्प, डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड। तो सहायता के लिए 101 नंबर डायल करिए और फायर ब्रिगेड को बुलाइए। इफ क्लॉथ कैच फायर रोल ऑन द ग्राउंड, अगर आग आपके कपड़े में पकड़ लेती है तो ज़मीन पर लौटना शुरू कर देना चाहिए। दिस कट ऑफ एयर सप्लाई एंड फायर एंड पुट इट आउट। यह क्या होता है, एयर सप्लाई बंद हो जाती है इससे और आग बुझ जाती है। पर ब्लैंकेट और रग इज़ अवेलेबल, रोलिंग अप इन इट इज़ मोर इफेक्टिव। अगर आपके पास ब्लैंकेट या रग उपलब्ध है तो इसमें बंद करके और मोड़ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फर्स्ट एड, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे, ठीक है। टिल देन बाय एंड थैंक।